सोशल मीडिया पे आज धमाका हो गया, यूट्यूब जैसे चक्का जाम हो गया, क्योंकि भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे का ट्रेलर आ गया। लेकिन क्या आपने दोस्तों नोटिस करी वो पांच ऐसी बात जो ट्रेलर को बनाती है सुपरहिट, वो पांच खास बातें इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं राहुल भोज के नाम से। अब बात करते हैं दोस्तों सलमान खान की राधे और राधे से जुड़े हुए पांच ऐसे खास वाक्या जो कि ट्रेलर को बनाते हैं सुपर डुपर हिट। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं तो सलमान खान की ये फिल्म 2020 की ईद में आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है 2020 में नहीं आती और 2021 में अब आई है। और 2021 में ये बड़े खास तरीके से इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, हालांकि विदेशी फिल्म्स जैसे कि वंडर वुमन के साथ ऐसा हुआ था या जस्टिस लीग, स्नाइडर कट जस्टिस लीग के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन ये यहां पे इंडिया की पहली खास फिल्म बन गई है जो कि ओटीटी पे भी सेम डे रिलीज हो रही है, जब और उसमें भी आपको पैसे दे करके वो देखनी है, ठीक है। इस तरीके से राधे की बात ये है सबसे अच्छी दोस्तों कि राधे फिल्म के ट्रेलर में वो सारे मसालों को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है जो कि ऑडियंस, स्पेशली सिंगल स्क्रीन थिएटर की ऑडियंस को समझते हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर की ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, वो सलमान खान को एक्शन के अवतार में देखना पसंद करती है, वो सलमान खान को किक मारते हुए, घुसंड मारते हुए या फिर डायलॉग बाजी करते हुए देखना पसंद करती है, और राधे में वो सारी बातें हैं। बात नंबर वन जो खास बनाती वो है सलमान खान का चार्म। सलमान खान दोस्तों इस फिल्म के अंदर भी अपने एकदम एक्स्ट्रा लुक, मतलब एकदम एक्स्ट्रा जो उनका ऑरा है उसकी वजह से चमक गए हैं फिर से एक बार। और प्लस कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2009 में वांटेड आई थी, माफी चाहूंगा मैंने पहले 2007 बोल दिया था, 2009 में जिस तरीके से वांटेड आई थी तो वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहां पर भी है सलमान खान के साथ, और सलमान खान इस फिल्म के बाद भी मेगा 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 स्टार बन जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फिल्म का एक्शन। इस फिल्म का एक्शन दोस्तों बहुत ज्यादा खास लग रहा है, स्पेशली वो गाड़ी वाला, अगर आपने देखा होगा कि साइकिल चल रही है और साइकिल इस तरीके से उड़ती है या फिर वो गाड़ी पलटने वाला है, सलमान खान जिस तरीके जुप 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 करके एकदम कोरियन स्टाइल में किक मार रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कोरियन मूवी का हिंदी अडैप्टेशन है, वी ऑल नो दैट, तो सलमान खान कहना चाहूंगा कि वो भी लाजवाब है। तीसरा सबसे ज्यादा सलमान खान के डायलॉग, जब भी मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, या फिर बाद वाला जो बिरयानी हम सब खाएंगे ईद मुबारक वाला जो डायलॉग है वो उफ क्या डायलॉग है, उसे सुनकर लिटरली मजा आ जाता है। चौथी सबसे बड़ी बात इसके विलन, इसमें दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन चार विलन है जो कि एक से खतरनाक लग रहे हैं। रणदीप हुड्डा से लेकर अगर आपने नोटिस किया होगा गौतम गुलाटी तक को, तो हर कोई एक अलग फ्लेवर के साथ है, और इसमें एक और बॉडी वाला लड़का है जिसके बारे में डिटेल्स जैसी आएंगी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एंड पांचवी सबसे खास बात जो इस ट्रेलर को बनाती है वो है दिशा पाटनी के साथ रोमांस, दिशा पाटनी के साथ लिप टू लिप किस, जो कि किस नहीं एक इल्यूजन है। सो दोस्तों आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, और मुझे आप लोग इजाजत दें।